हे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर पैनल होम मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और ये कैसे काम करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि सोलर पैनल होम मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है। ये एक बेसिक सा सेटअप होता है जो कि सोलर पैनल, माइक्रो कंट्रोलर और वेब सर्वर को मिला के बना होता है। इसकी मदद से जो भी हमारे सोलर पैनल का डाटा है, मतलब जो आउटपुट है हमारे सोलर पैनल का, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल है उसने कितनी ज़्यादा पावर जनरेट की, कितना करंट था, क्या वोल्टेज थी उस टाइम पे, कितना टेम्परेचर था। ये सारे पैरामीटर्स हम मेज़र कर सकते हैं और उन सबको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे इस सोलर पैनल ने कितना आउटपुट दिया हमको। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि सोलर पैनल मॉनिटरिंग सिस्टम को कैसे बनाना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहला हमें चाहिए सोलर पैनल। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि सोलर पैनल मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं तो सोलर पैनल तो चाहिए ही। इसके साथ ही साथ हमें एक बैटरी भी चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल की वजह से कर रहे हैं, तो जो सोलर पैनल है वो दिन में ही काम करता है। अगर हमें रात को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है सोलर पैनल वाली, तो हमें उसको स्टोर करके रखना होगा। उसके लिए हमें एक बैटरी चाहिए। अब बैटरी के बाद हमें एक इन्वर्टर भी चाहिए, क्योंकि जो लोड होता है घरों पर वो ज़्यादातर एसी सप्लाई से चलता है। जितने भी लाइट हो गई, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब कुछ जो है वो एसी सप्लाई से चलता है, और जो बैटरी होती है वो डीसी सप्लाई देती है। तो इसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक इन्वर्टर चाहिए, और इस इन्वर्टर के आगे कनेक्टेड होता है लोड। लोड का एग्जांपल है ट्यूबलाइट, बल्ब, कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये सभी मेन सर्किट से कनेक्टेड होती हैं। मेन सर्किट का क्या मतलब है? मेन सर्किट का मतलब ये है कि जो सोलर पैनल का आउटपुट है, वोल्टेज और करंट, ये सब इन चीज़ों के थ्रू पूरा फ्लो होता है। मतलब जितनी भी वोल्टेज जनरेट हुई है वो पूरी वोल्टेज अपीयर होगी लोड के अक्रॉस। बट जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्टेड नहीं होता है, वो कनेक्टेड होता है कुछ सेंसर्स की हेल्प से, ताकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डैमेज ना हो। अब जो सेंसर्स हैं उनका काम क्या होता है? सेंसर्स जो हैं वो एनालॉगियस सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी आपका वोल्टेज, करंट, ये सब पैरामीटर्स हैं, इन सब चीज़ों को वो सेंसर जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे एक एनालॉगियस सिग्नल में। अब वो एनालॉगियस सिग्नल वो फीड करेंगे आपके माइक्रो कंट्रोलर को, और जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका काम क्या होता है? उस एनालॉगियस सिग्नल को जो उसने सेंसर से रिसीव किया है, उस एनालॉगियस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये काम होता है माइक्रो कंट्रोलर का। क्योंकि जो कंप्यूटर होगा या फिर जो भी आपका सर्वर होगा वो डिजिटल सिग्नल को समझता है, ना कि किसी एनालॉग सिग्नल को। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसने एनालॉगियस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, अब वो उस डिजिटल सिग्नल को भेजेगा वाईफाई मॉड्यूल के पास। अब जो वाईफाई मॉड्यूल है उसका काम क्या है? वाईफाई को तो आपको पता ही है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट करने की चीज़ है। तो जो वाईफाई मॉड्यूल है वो आपके डिजिटल सिग्नल को सर्वर पे अपलोड कर देगा। अब उस सर्वर से आप उस सिग्नल को और जो भी आपका डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन की हेल्प से। इन डिवाइसेस पे आप अपना जो भी डाटा है आपके सोलर पैनल का उसको रियल टाइम पे मॉनिटर कर सकते हो, और जितना भी वोल्टेज, करंट, ये सब चीज़ें आपके सोलर पैनल ने जनरेट की हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेंसर्स हम यूज़ करेंगे अपना सोलर पैनल होम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो जो पहला सेंसर हम यूज़ करेंगे उसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का काम क्या है कि जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है जो सोलर पैनल जनरेट करेगा, उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज को डिवाइड किया जाएगा दो पोर्शंस में, और एक पोर्शन को मेजर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर का काम है वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं वो है ACS712 करंट सेंसर। तो जैसा कि इसका नाम में ही करंट सेंसर है, ये करंट को मेजर करने के काम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सेंसर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है LM35 टेम्परेचर सेंसर। तो इसके भी नाम में सीधा सीधा लिखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर। तो अब ये सेंसर क्या कर सकता है? ये नॉर्मल टेम्परेचर, जो एम्बियंट टेम्परेचर होगा आसपास का वातावरण का टेम्परेचर, उसको भी मेजर करेगा, और साथ ही साथ आपके सोलर पैनल का जो टेम्परेचर है उसको भी मेजर कर सकता है, और उससे ये भी बता सकता है कि आपका सोलर पैनल कहीं ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। अब जो अगला सेंसर हमारे पास है उसका नाम है LDR। LDR की फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के काम आता है। अब जो सोलर पैनल पे जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है,
ये मेजर करने के लिए एलडीआर को यूज किया जाता है। अब इस इंटेंसिटी को मेजर करने का फायदा क्या है? लाइट इंटेंसिटी को मेजर करके आप ये पता लगा सकते हो कि इस स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी पे जो सोलर पैनल है उसका जो आउटपुट है, करंट और वोल्टेज आउटपुट, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसमें कुछ फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सोलर पैनल के ऊपर डस्ट जमी हुई है जिसको आपको साफ करने की जरूरत है, और इसको फिर आप मेंटेनेंस कर सकते हो अपने सोलर पैनल की। अब जो नेक्स्ट थिंग हमने यूज किया उसका नाम है आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर। तो जिस माइक्रो कंट्रोलर की मैं बात कर रहा था वो ये है, आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर। इसी की हेल्प से एक एनालॉगस सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है उसका नाम है ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। इसकी हेल्प से जो आपका डिजिटल सिग्नल है उसको वेब सर्वर पे अपलोड किया जाता है। तो ये था तरीका एक सोलर पैनल होम मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाने का। सभी सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।